दोस्तों, मैंने फिर आपके लिए जो है एक नया वीडियो बनाया है। दोस्तों, आपने मुझसे कमेंट करके करके पूछा था कि कॉपीराइट स्ट्राइक को किस तरह से जो है हटा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी विषय पे आज जो है मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है और ये आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरह से आपको जो है कॉपीराइट क्लेम आपके अपने मोबाइल से जो है हटा सकते हैं, अपने चैनल से हटा सकते हैं। दोस्तों, तो आज मैंने आपको यही बताने की कोशिश की। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो दोस्तों लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें कमेंट करना और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्त, मैं आपके लिए जिस तरह की भी आप वीडियो चाहते हैं मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों, नई से नई वीडियो मैं आपके लिए अपलोड जो है अपने चैनल पर करता रहता हूँ कि बहुत ही हेल्पफुल होती है मेरी जो होती है वीडियो, और मैं आपके लिए कर देता हूँ। दोस्तों, तो आइए दोस्तों दिखाता हूँ मैं मेरे, देखिए आप देख पा रहे होंगे मेरे चैनल पर कोबरा स्ट्राइक जो है वो दिख रही है। दोस्तों, तो मेरा चैनल जो है यहाँ से चल नहीं पा रहा था दोस्तों कोबरा स्ट्राइक आने के बाद। तो मैं आपको बैकग्राउंड में भी चल के दिखाता हूँ, न्यूज सर्च में दिखाता हूँ, एरर दिखाएगा। दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एरर दिखा रहा है दोस्तों, तो मेरा चैनल बिल्कुल जो है वो हो चुका था बैन, तो एरर दिखाने लगा था। तो मैं बैकग्राउंड में चलता हूँ अपने चैनल को आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, कॉपीराइट स्ट्राइक। ये देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कॉपीराइट स्ट्राइक है, ये खुलता नहीं है पेज। अब जो 2018 में जो जिस तरह के बैनर लगे हैं दोस्तों, कई तरह की नई इसने जो लॉन्च की है अपनी, जो इसकी नियम टर्म एंड कंडीशन है, तो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल भी जो है वर्क नहीं कर रहा है मेरा चैनल, बिल्कुल एरर दिखा रहा है। देखो, आप ऊपर देख सकते हैं बंद दिखा रहा है बिल्कुल। दोस्तों, तो सबसे पहले आपको इस फॉर्म को जो आपके सामने खुला है इसको फिल करना होता है दोस्तों। और इसको फिल कैसे करते हैं, ये इसीलिए ये मैंने आज वीडियो बनाया है जो आपने मुझसे पूछा था। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊँगा किस तरह इसको जो है फिल किया जाता है। हाय दोस्तों, मैं इसकी वीडियो जो आपको ओपन करके दिखाता हूँ किस तरह की वीडियो दिखाता है। ये देखिए दोस्तों, इसमें आपको 5 से 10 मिनट में सब कुछ ये बता देगा कि आप इस तरह का कंटेंट नहीं बना सकते हैं या किस तरह पर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक लगता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं फॉर्म फिल करना। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या होता है मैं आपको बता दूँ। पहला जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा आपको इस पर फॉल्स पे क्लिक कर देना है दोस्तों। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, इस पर आपको फॉल्स पे क्लिक कर देना है। तीसरा भी आपका जो है फॉल्स पे क्लिक कर देना है दोस्तों। और जो आगे चौथा ऑप्शन बताएगा इसके ऑल ऑफ द अबाउ पे आपको इस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। इसको क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर अगला पेज खुलेगा दोस्तों आपके सामने, और आपको जिस तरह से मैं फिल कर रहा हूँ दोस्तों, आपको भी उसी तरह से फिल इसको जो है कर देना है। ये देखिए, मैं जिस पे फिल करूँगा आप भी ठीक उसी तरह से भर देना है। सबसे नीचे वाले पे पहले उसमें जो आपको दिखा रहा है, तो सबसे नीचे वाले में आपको भरना है, दूसरे में सबसे ऊपर वाले में, और तीसरे में आएंगे आप तो आपको भरना है सबसे नीचे वाले में ऑल ऑफ द अबाउट पे। और फॉल्स पे क्लिक करने के बाद आप इसको नेक्स्ट या कंटिन्यू जो भी दिखाएगा उसको कर देना है दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि मेरे चैनल पे से जो स्ट्राइक लगी थी वो बिल्कुल हट चुकी है, मैंने इसको बटन को दबा दिया है। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल हट चुकी है और एक कॉपीराइट मेरे ऊपर जो क्लेम लग चुका है दोस्तों। अब देखिए आप, मेरा बिल्कुल चैनल जो है वो आपको दिख रहा होगा, पहले इससे पहले आपको एरर दिखा रहा था। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से, देखिए मैं अपने चैनल पे चलता हूँ दोस्तों, अपने चैनल पे चलने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरा पूरा चैनल जो है खुल रहा है आपके सामने, और मैं अब आपको दिखा देता हूँ दोस्तों इसमें। ये देखिए, नीचे मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो दोस्तों मेरे ये जो यहाँ से आपको दिख रहे हैं ये म्यूज़िक, आप यहाँ से जो कॉपीराइट जो है नहीं होते, आप यहाँ से ले सकते हैं दोस्तों। देखिए मेरी वीडियो दोस्तों आपको दिख रही होगी, और मैं आपको अपनी और भी वीडियो जो है दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, पहले यहाँ एरर दिखा रहा था, अब नहीं दिखा रहा है, और ये मेरी वीडियो है जो आए देखिए दिखा रहा है दोस्तों। ये मेरी वीडियो है जो मैंने आपको अभी दिखाई है, सब दिखा रहा है दोस्तों, उससे पहले नहीं दिखा रहा था। अब मैं आपको बैक में ले चलता हूँ, बैकग्राउंड में जो पड़े हैं दोस्तों, तो बैकग्राउंड में देखिए दिखा रहा है, लेकिन मैं जब न्यू टैब में खोलूँगा तो ये मुझको एरर जो है वो नहीं दिखाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए, आप भी बहुत इजीली है, बहुत आसान है, आप कर सकते हैं दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट हमें जरूर करिए दोस्तों, और हमें बताइए कि वीडियो कैसा लगा, हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिए।